बेमौसम हो रही बरसात कारोबारियों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। नवरात्रि और दशहरे की छुट्टियों के बाद मंडियों में माल की आवक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार जारी बारिश से आवक थमती नजर आई। इस बीच अब तैयार फसल को भी नुकसान की आशंका जताई गई है। दिवाली के पहले सोयाबीन की आवक मध्य प्रदेश की मंडियों में पूरे शबाब पर होती है, लेकिन इस बार छुटपुट आवक देखने को मिल रही है। मौसम के मिजाज को देखकर अब आवक कमजोर रहने के साथ ही कीमतों में तेजी की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की कुल आवक अभी 1 लाख बोरी तक सीमित है। कारोबारियों का कहना है कि बीते दिनों निकली धूप के दौरान सोयाबीन कटाई के लिए तैयार हुई थी। कटाई का काम मालवा निमाड़ में जारी किया था और इस बीच फिर से शुरू हुई बरसात से अब सोयाबीन की क्वालिटी खराब होने और दाग पड़ने की स्थितियां बन रही हैं। इस समय मंडियों में जो सोयाबीन पहुंच रही है उसमें नमी की मात्रा काफी ज्यादा है। ऐसे में नए सोयाबीन की कीमत 4900 रुपए प्रति क्विंटल तक सीमित बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण मक्का की आवक में भी देरी देखने को मिली है। दरअसल फसलें सूख नहीं पा रही। नई मक्का में भी नमी की मात्रा ज्यादा होने से मक्का का दाम 1700 से 1900 रुपए के बीच देखने को मिल रहा है, जबकि पुरानी मक्का के दाम 2300 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार ताजा दौर की बारिश से तैयार फसल को खासा नुकसान है। इससे आने वाले दिनों में सोयाबीन के दामों में भारी उछाल देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ओपेक ने तेल उत्पादन में करीब 2% की कटौती करने का ऐलान किया है। इस घोषणा से भी स्थानीय बाजारों में डर है। करीब 3 महीने से देश के बाजारों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि तेल उत्पादन कम होता है तो कच्चे तेल में तेजी आएगी। ऐसी स्थिति में भारत में भी ईंधन के दाम बढ़ेंगे। व्यापारियों को चिंता है कि इससे माल भाड़ा बढ़ जाएगा और त्योहारों के दौरान माल सप्लाई में बढ़ा हुआ माल भाड़ा न केवल महंगाई बढ़ाने वाला है बल्कि बाजार को भी प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।